हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैंक फॉर सक्सेस। मेरा नाम है ब्रजेश और आज की इस वीडियो हम लोग जनरल अवेयरनेस सेक्शन से कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, ये वीडियो टारगेट किया जा रहा है केनरा बैंक पीओ एंड आईपीएस कलर के मेंस को। आई होप आप सभी ने प्रीवियस सभी वीडियो देखे होंगे। नेक्स्ट पार्ट भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसमें हम लोग दिसंबर मंथ के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जो कि केनरा बैंक को खास करके काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। दो वेबसाइट है, www.bankforsuccess.in, www.brijeshmohantutorial.co.in। जो भी क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वो आपको सेकंड वेबसाइट पर अवेलेबल है, उसकी पीडीएफ जो है वो सारा कुछ वहां पर अवेलेबल है। इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी शेयर कर दूंगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। और बैंक फॉर सक्सेस डॉट इन पर आप जो है बुक्स एंड पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। क्वेश्चन जो वहां पर आपको अवेलेबल है, वहां पर आपको मल्टीपल पीडीएफ वगैरह अवेलेबल होते हैं जो कि आप अपने यूज के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। वीडियो पसंद आए लाइक कीजिएगा, अपने फीडबैक्स जो है आप कमेंट के माध्यम से बताइए, आपको कैसा लगा वीडियो कमेंट के माध्यम से बताइए, और साथ ही साथ वीडियो को अपने दोस्तों के बीच में भी शेयर करना है। और आपने अगर बैंक फॉर सक्सेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब भी कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है जरूर ज्वाइन कीजिए, अराउंड 4000 प्लस लोगों ने ऑलरेडी ज्वाइन कर रखा है। और यहाँ पर बुक्स एंड स्टडी मटेरियल शेयर करना मेरे लिए आसान है वहां पर, इसलिए मैं तुरंत जो है फटाफट आपके लिए जो भी मुझे इंपॉर्टेंट बुक्स लगते हैं वहां पर मैं शेयर कर देता हूं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, सभी लोग जो है टेलीग्राम चैनल पर, अगर आप टेलीग्राम इंस्टॉल कर रखे हो तो टेलीग्राम चैनल जो है बैंक फॉर सक्सेस का जरूर ज्वाइन कीजिए। ओके, बैंक फॉर सक्सेस ऑफिशियल के नाम से टेलीग्राम चैनल अवेलेबल है, आप अगर बैंक फॉर सक्सेस सर्च करोगे तो भी आपको मिल जाएगा, अदरवाइज डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। मॉक टेस्ट के लिए आप ओलिव बोर्ड का मॉक टेस्ट फॉलो कर सकते हो, उन्होंने बेस्ट मॉक टेस्ट है। और साथ ही साथ जो करंट लेवल ऑफ एग्जाम हो रहे हैं वैसे आपको प्रिपरेशन कराता है आपके बैंकिंग, गवर्नमेंट एंड एमबीए एग्जाम्स के लिए, आप जो है ओलिव बोर्ड का मॉक टेस्ट प्रीफर कर सकते हैं। इसका भी लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में शेयर किया हुआ है, उसके माध्यम से आप रजिस्टर कर सकते हो। अदरवाइज एक अगर आप बैंकिंग के एस्पिरेंट हैं तो एक मस्ट हैव ऐप के रूप में जो है ओलिव बोर्ड का ऐप है, तो प्ले स्टोर पर जाइए और फटाफट प्ले स्टोर से आप ओलिव बोर्ड का ऐप डाउनलोड कर लीजिए। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज रिलीज्ड ऑपरेशनल गाइडलाइंस टू फैसिलिटेट पेमेंट्स अमंग पीपीआई। हियर द टर्म पीपीआई मींस, अभी रिसेंटली आपने एक न्यूज सुना होगा जिसमें कि जितने भी मोबाइल वैलेट्स हैं उन सभी के लिए नए केवाईसी से रिलेटेड नए गाइडलाइंस या उनको ऑपरेट करने के लिए जो है नए गाइडलाइंस पास किए गए आरबीआई के द्वारा। और ये मोबाइल वैलेट्स वगैरह ही प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स कहलाते हैं, पीपीआई वगैरह कहलाते हैं। तो पीपीआई का फुल फॉर्म क्या हुआ, प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट। सी नंबर आंसर देखिए वो आपका करेक्ट है। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन जो है वो डायरेक्टली आपको ये भी पूछ सकते हैं कि पीपीआई में जो है आई क्या रिप्रेजेंट करता है, पी क्या रिप्रेजेंट करता है, इसी तरह के क्वेश्चन भी आपको वहां पर एग्जाम में दिख सकते हैं, तो उसके लिए भी आपको प्रिपेयर रहना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज इंडियाज रैंक एज द मोस्ट कॉम्पिटेटिव इकोनॉमी ऑन द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम्स ग्लोबल कॉम्पिटेटिव इंडेक्स फॉर 2018। कि अभी भी रिसेंटली WEF के द्वारा ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स का जो है वो रिपोर्ट जारी हुआ था, उसमें रैंकिंग जारी की गई और भारत का रैंकिंग कहाँ पर है वो 58th पोजीशन पर रखा गया है। और इसमें टॉप किसने किया है, टॉप किया है यूएस ने। ओके, तो यहाँ पर देखिए किस तरह के क्वेश्चन बनेंगे। सबसे पहले तो टॉप किसने किया वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं, भारत की रैंकिंग पूछ सकते हैं, ये रिपोर्ट जो है रैंकिंग जो है वो किसके द्वारा जारी की गई है वो आपसे पूछ सकते हैं। तो तीन तरह के क्वेश्चन यहाँ पर बनते हैं, तीनों तरह के क्वेश्चन आपको यहाँ से पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट रिसेंटली अनाउंस दैट स्पोर्ट पर्सन वुड बी गिवन 3% सब कोटा इन रिक्रूटमेंट। कि किस स्टेट ने 3% का एक्स्ट्रा जो है सब कोटा जो है प्रोवाइड किया है किसको, स्पोर्ट्स पर्सन को, और वो है तमिलनाडु। तमिलनाडु ने एक्स्ट्रा 3% जो है वो स्पोर्ट्स पर्सन के लिए प्रोवाइड किया है रिजर्वेशन, जितने भी रिक्रूटमेंट्स वगैरह होते हैं उसमें। द वाइस प्रेसिडेंट एम वेंकैया नायडू विजिटेड विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज रिसेंटली टू अटेंड द 12th एशियन यूरोप मीटिंग SAM समिट। कि SAM समिट जो है इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हो सकते हैं, अभी दो तीन समिट हुए हैं, खास करके सिंगापुर में ज़्यादा समिट्स हुए हैं अभी, और आपको ये SAM भी इंपॉर्टेंट है, तो ये सब जो है समिट्स आपको ध्यान रखना है। कुछ न्यू दिल्ली में हुए थे समिट्स वगैरह, वो सभी आपको ध्यान रखना है। आई होप आप सभी ने सारे समिट्स जो है वो कवर कर रखे होंगे। कैप्सूल्स वगैरह में ये चीज़ें एक जगह आपको मिल जाती है, एक ही जगह इकट्ठा करके आपको प्रोवाइड किया जाता है। तो अगर आपने नहीं किया है तो एटलीस्ट एक बार गो थ्रू कर लीजिए, अगर मान लो याद रहा, अगर क्वेश्चन पूछा गया तो कम से कम आप उसको अटेम्प्ट जरूर कर सकते हो। क्लियर है, तो समिट्स आपको देख लेना है। ये बेल्जियम में हुआ था, ब्रुसेल्स, बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स है, वहां पर जो है ये हुआ था। इट इज सेड दैट 10 लाख जॉब्स विल बी क्रिएटेड इन द हेल्थ एंड इंश्योरेंस सेक्टर अंडर प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। अभी अभी प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना जो है वो लॉन्च किया गया है, जो कि हेल्थ सेक्टर में के लिए लॉन्च किया गया है। ओके,
अलग अलग नाम है, जैसे आयुष्मान भारत, मोदी केयर, ये सब मल्टीपल नाम वगैरह जो है जो कि हेल्थ इंश्योरेंस गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी। नेशनल हेल्थ NHPS करके था, नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम, या आयुष्मान भारत हो गया। तो ये सब जो है आपको नाम वगैरह याद रखने, शॉर्ट फॉर्म वगैरह याद रखने और रिलेशनशिप इसका सबका याद रखना है आपको, ओके। तो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना जो है उसमें एक्सपेक्टेड है कि हेल्थ एंड इंश्योरेंस सेक्टर में 10 लाख जो है वो जॉब क्रिएट किया जाएगा, क्योंकि बड़े पैमाने पर जो है ये लॉन्च किया जा रहा है। 10 करोड़ परिवार को जो है इसमें कवर किया जाएगा। तो क्वेश्चन क्या है कि द CEO ऑफ आयुष्मान भारत स्कीम इज, कि जो आयुष्मान भारत स्कीम है उसके CEO कौन है? तो उसके CEO नियुक्त की गई है इंदु भूषण, ओके। इंदु भूषण को जो है आयुष्मान भारत का CEO नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग हैज वॉन द 2018 मान बुकर प्राइज फॉर नोवेल मिल्कमैन, कि मिल्कमैन नोवेल के लिए किसको मैन बुकर प्राइज मिला है? तो वो मिला है अन्ना बर्न्स को। ई नंबर आंसर आप मार्क कर लीजिए, ऑलरेडी मार्क है ये। नेक्स्ट है सुनील मेहता कमेटी। दोस्तों सुनील मेहता कमेटी काफी इंपॉर्टेंट है। सुनील मेहता जो है वो पंजाब नेशनल बैंक के हेड भी हैं और इनके नेतृत्व में एक कमेटी के गठन की गई थी। द सुनील मेहता कमेटी रिकमेंडेड फ्लोटिंग एंड इंडिपेंडेंट एसेट मैनेजमेंट कंपनी एंड एन AIF टू हेल्प बैंक्स। हियर द टर्म AIF मींस, इन्होंने रिकमेंड किया था कि फ्लोटिंग ऑफ एन इंडिपेंडेंट एसेट मैनेजमेंट कंट्री एंड कंपनी, जो भी AMCs वगैरह है उसके फ्लोटिंग एंड AIF के लिए जो है वो उसने रिकमेंड किया था, जो कि बैंक को हेल्प कर सके। अब यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि AIF का मतलब क्या होता है? AIF का मतलब होता है अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड, ओके। और AMC का ही फुल फॉर्म आपसे पूछ सकते थे, तो एसेट मैनेजमेंट कंट्री होती है, कंपनी होती है। जितना भी आपको म्यूचुअल फंड कंपनीज वगैरह होती है, जितना भी म्यूचुअल फंड बिजनेस होता है, वो सारा का सारा एसेट मैनेजमेंट कंट्री सॉरी कंपनीज होता है। उसी तरह आपको एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी भी आती है। एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज रिलेटेड होता है NPA से, ओके। जहाँ पर रिकवरी वगैरह की बात आती है वहाँ पर ARC का यूज करते हैं, म्यूचुअल फंड AMC होता है। और एक अगर अल्टरनेटिव फंड्स वगैरह की बात की जाए बैंक में, तो वो AIF कहलाता है, अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड कहलाता है वो। तो तीनों टर्म्स जो है आपको रिलीवेंस है तीनों का बैंक से, तो आप तीनों को ध्यान रखा कीजिए, ओके। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। कमिटी है ऑल्सो सजेस्टेड ओवरसीइंग कमिटी मैकेनिज्म फॉर ऑल कॉर्पोरेट बोरोवर्स दैट हैव टेकन लोन्स एंड फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर एन अमाउंट ऑफ ₹50 करोड़ एंड मोर, कि जितने भी जो कॉर्पोरेट बोरोवर्स हैं उनके लिए एक जो है कमिटी वगैरह गठन किया जाए, जो कि ओवरसीइंग कमिटी होगी। और ध्यान रखना आपको कितना कि लोन अमाउंट रखा गया उसके लिए 50 करोड़ एंड मोर, कि जो भी कॉर्पोरेट बोरोवर्स के पास 50 करोड़ एंड उससे ज्यादा कि लोन लिए गए सेंशन किए गए उनके लिए कमेटी बनाई जाए, जो कि एक हर एक बैंक का एक ओवरसीइंग कमेटी होगा, जो कि इन इस प्रकार के सभी लोन्स की जो है वो निगरानी करेगा, ओके। द यूनाइटेड नेशंस हैज डिक्लेयर्ड डैश एज द नेल्सन मंडेला डिकेड ऑफ पीस, कि नेल्सन मंडेला जो थे अफ्रीका के उनके फोरफादर बोला जाता है, और साथ ही साथ उनके नाम से जो है मतलब उनके लिए एक, जैसे अपने देश में महात्मा गांधी को अहिंसा के बजाय मानते हैं, तो वैसे ही अफ्रीका में जो है उनको भी एक तरह से अफ्रीका के फादर के रूप में देखा जाता है, फादर फिगर के रूप में देखा जाता है, और उन वो भी एक शांति के पुजारी थे, इसलिए यूनाइटेड नेशंस ने जो है उनके सम्मान में नेल्सन मंडेला डिकेड ऑफ पीस की घोषणा की है। और ये डिकेड जो है कब मनाया जाएगा? 2019 से लेकर 2028 तक जो है वो नेल्सन मंडेला डिकेड ऑफ पीस के रूप में मनाया जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर है बी नंबर। एस हैज बिकम द वर्ल्ड फर्स्ट कंट्री टू सक्सेसफुली लैंड 2 रोबोटिक रोवर्स ऑन एन एस्ट्रॉयड, कि कौन सा कंट्री जो है दुनिया का पहला कंट्री बना जिसने की रोबोटिक रोवर्स जो है वो एस्ट्रॉयड पर सक्सेसफुली लैंड कराया है? तो वो जापान जो है ये कंट्री बनकर उभरा है। इंडिया रैंक्स 158th ऑन द ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स 2018, द इंडेक्स हैज बीन टॉप्ड बाय, कि ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स जो है वो टॉप किसके द्वारा किया है? वो फिनलैंड के द्वारा टॉप किया। देखिए यहाँ पर जैसे कि मैं बोल रहा था कि रैंकिंग में तीन तरह के क्वेश्चन बनते हैं, सबसे पहले तो इंडिया का रैंक पूछते हैं, किसने टॉप किया वो पूछ लेते हैं, और तीसरा आपको क्वेश्चन क्या बनता है कि रिपोर्ट्स पब्लिश किसके द्वारा किया गया, ये रैंकिंग जो किसके द्वारा पब्लिश की जाती है, ये क्वेश्चन यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट बनता है। तो ये रिपोर्ट जो है ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स वो पब्लिश की जाती है वर्ल्ड बैंक के द्वारा, ओके। तो आपको ध्यान रखना है कि ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स जो है वो वर्ल्ड बैंक के द्वारा पब्लिश की जाती है, जिसमें भारत का रैंक 158 टॉप किया गया है फिनलैंड के द्वारा। द सुप्रीम कोर्ट हैज फॉर्म्ड अ कमिटी ऑन प्रिजन रिफॉर्म्स विच इज चेयर्ड बाय फॉर्मर अपेक्स कोर्ट जज जस्टिस अमिताभ रॉय, कि
जो एक सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाई है जिसमें कि प्रिजन्स जितने भी देश में जेल वगैरह अवेलेबल है उनके रिफॉर्म्स के लिए एक कमेटी बनाई गई है, एक स्टीयरिंग कमेटी है। और इसके चेयर कौन होंगे, इस कमेटी का नेतृत्व कौन करेगा, वो कमेटी का नेतृत्व जो है वो प्रीवियस जज जो है पुराने जज वो अमिताभ राव जो है इसके नेतृत्व करेंगे। एक और चीज़ यह बताना चाहूँगा, जो HL दत्तू है वो नेशनल ह्यूमन राइट्स काउंसिल के जो है सॉरी नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के चेयरमैन भी है। तो कल जो है जब मैं RBI ग्रेड बी वाले क्विज में जो है वहाँ पर ले रहा था, एक क्विज लेता था अच्छे से कि हम लोगों का RBI ग्रेड बी का एक ग्रुप है जहाँ पर कि डेली आपको 11 PM वहाँ पर क्विज होते हैं। आप लोग अगर RBI ग्रेड बी का प्रिपरेशन कर रहे हो तो वो ज्वाइन कर सकते हो ग्रुप, तो टेलीग्राम पर वो ग्रुप अवेलेबल है। तो उसमें जो है ये क्वेश्चन मैंने पूछा था कि NHRC के चेयरमैन कौन है, तो मोस्ट ऑफ द लोगों ने इसका आंसर नहीं दे पाया था, इसलिए बताना चाहता हूँ कि HL दत्तू जो है उसके चेयरमैन है। और आप सभी को पता है HL दत्तू जो थे भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी रह चुके हैं, उसी प्रकार TS ठाकुर भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रह चुके हैं। आपको RM लोधा वो भी जो है उनके वो भी मतलब जज थे, और उनके नेतृत्व में कमेटी जो BCCI वाली कमेटी थी वो लोधा कमेटी थी। और भी कई सारे कमेटीज हैं जो कि गवर्नेंस रिलेटेड कमेटी है, उसमें लोधा कमेटी है। द बिगेस्ट एवर लोन $57 बिलियन फ्रॉम द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड वेंट टू विच कंट्री रिसेंटली, IMF की हिस्ट्री का सबसे बड़ा लोन जो है वो आज तक का वो दिया गया है अर्जेंटीना को। अर्जेंटीना को बेलआउट पैकेज के रूप में $57 बिलियन का जो है लोन दिया गया, क्योंकि वहां की इकोनॉमी जो है वो डिक्लाइन कर रही है, करेंसी वहां की डिप्रिसिएट कर गई है, और इकोनॉमिक टर्मिनल से बाहर निकालने के लिए जो है IMF ने ये मदद प्रोवाइड किया है कि उनको $57 बिलियन का जो है लोन प्रोवाइड किया जाए जो कि अगले 3 साल तक दिया जाएगा। ओके, तो आंसर क्या हो जाएगा, अर्जेंटीना। अर्जेंटीना की राजधानी कहाँ है, वो है ब्रूनोस एयर में। अभी अभी G20 समिट जो है ब्रूनोस एयर में ही कंडक्ट हुआ था। समर ओलंपिक जो है यूथ समर ओलंपिक वो भी आपको ब्रूनोस एयर्स में ही हुआ था, जिसमें कि आपको उस ओलंपिक के कई सारे चीज़ें आपको ध्यान रखनी होती है, जो कि ओपनिंग सेरेमनी का फ्लैग बेयर कौन था, क्लोजिंग सेरेमनी का जो है फ्लैग बेयर कौन था, जो भी फ्लैग बेयर था वो कौन से खेल से जुड़ा हुआ है। तो आपको जब भी अर्जेंटीना की बात आए, अर्जेंटीना से आपको इतना सारा चीज़ जो आपके दिमाग में घूमना चाहिए। ओके, नेक्स्ट है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च वेज कंपनसेशन स्कीम फॉर प्रेग्नेंट वुमेन इन टी गार्डन डिस्ट्रिक्ट, कि किस स्टेट ने जो वेज कंपनसेशन स्कीम है, खास करके वो महिलाएं जो कि प्रेग्नेंट हैं और चाय बागान वगैरह में काम करती हैं उनके लिए जो ये वेज कंपनसेशन स्कीम लॉन्च किया गया है। तो देखिए दोस्तों, आपको ऑप्शंस जो दिए गए हैं वो भी कितने अच्छे हैं कि सारा का सारा जो स्टेट्स है वो चाय बागान उनमें अवेलेबल है, मतलब चाय वगैरह की उत्पादन वो करती है। तो ये जो आपको स्टेट है वो है असम, कि असम सरकार ने ये कंपनसेशन स्कीम लॉन्च किया है। अब देखिए असम के जो है चीफ मिनिस्टर के बारे में आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं, असम के चीफ मिनिस्टर कौन है, सर्बानंद सोनवाल। ओके, ये देखो मैं अभी बोल रहा था इसके बारे में बात कर रहा था, वही क्वेश्चन आपको आ गया कि मनु भाकेर वाज द फ्लैग बेयरर ऑफ इंडियन कॉन्टिनेंट एट द 3rd यूथ ओलंपिक गेम्स हेल्ड इन ब्रूनोस एयर्स, सी इज एसोसिएट विद द गेम ऑफ शूटिंग। ओके, कि वो जो है कौन से खेल से जुड़ी हुई है, वो है आपको शूटिंग से। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो ये पूछ सकते हैं कि 3rd ओलंपिक जो है, जो 3rd यूथ ओलंपिक गेम्स है वो हुआ कहाँ पर, ब्रूनोस एयर्स में हुआ, अर्जेंटीना में। अर्जेंटीना की राजधानी है ब्रूनोस एयर्स, अर्जेंटीना करेंसी जो पेसो है। उसके बाद आपको ये पूछ सकते हैं कि फ्लैग बेरर कौन था, मनु भाकर थी। मनु भाकर कौन से खेल से जुड़ी हुई है, तो वो शूटिंग से जुड़ी हुई है। तो मल्टीपल तरह के क्वेश्चंस बनते हैं, आपको एक ही चीज से कई सारी चीजें जो है वहां पर आंसर बन सकते हैं। इंडिया एंड विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज लॉन्च्ड अ प्रोग्राम टू ट्रेन अफगान डिप्लोमेट्स इन ज्वाइंट इनिशिएटिव, कि भारत के साथ और कौन सी कंट्री जो है मिलकर जितने भी अफगानिस्तान के डिप्लोमेट्स वगैरह हैं उनको ट्रेनिंग जो है वो प्रोवाइड करेगी। और ये प्रोग्राम जो है भारत ने लॉन्च किया, किसके साथ मिलकर, वो चाइना के साथ मिलकर लॉन्च किया है। ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा, चाइना। नेक्स्ट क्वेश्चन है द शाही लीची, जैसे ही लीची की बात आई तो लीची को आप मुजफ्फरपुर से कनेक्ट कर दीजिए, क्योंकि लीची वहां पर सबसे अच्छी होती है और लीची जो है वहां से ज़्यादातर एक्सपोर्ट जो है वहां पर लीची एक्सपोर्ट की जाती है, बाहर के देशों को एक्सपोर्ट की जाती है। तो शाही लीची जो है मोस्टली ग्रोन इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार नाउ एंजॉय द जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग, कि अब भी जितने भी चीजें थी, जितने उत्पादन थी जो कि उस स्पेसिफिक एरिया को बिलोंग्स करता है, जैसे बासमती राइस हो गया, रसगुल्ला हो गया, या आपको अल्फोंसो आम मैंगो हो गया जो कि हम लोग यहाँ पर पुणे में खास करके महाराष्ट्र में उसको जो हम लोग हाफूस आम बोलते हैं, तो ये सब जितना भी है
वो सारा का सारा चीज क्या है ना कि उस ज्योग्राफिकल लोकेशन को, उसको ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिल रहा है भारत सरकार के द्वारा जो है वो प्रोवाइड किया जा रहा है। और ये क्वेश्चन जो है रिसेंटली आपको दो तीन एग्जाम में पूछे भी गए हैं। आई होप आप सभी लोग जो है जीआई टैग से एटलीस्ट अवेयर हो और जितने भी नए नए जीआई टैग हैं उसको आप ध्यान में रख रहे हो। जैसे लास्ट वीडियो में मैंने आपको अल्फोंसो आम के बारे में बताया था, उसी तरह आपको यहाँ पर शाही लीची के बारे में बता रहा हूँ कि शाही लीची मुजफ्फरपुर से बिलोंग्स करता है, उसको मुजफ्फरपुर के लिए मतलब मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट को वो जीआई टैग मिला हुआ है। नेक्स्ट है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी प्लान्स टू क्रिएट एन इंडस्ट्री बॉडी टू ड्रॉ अप बेस्ट प्रैक्टिस फॉर पीएमएस। हियर द टर्म पीएमएस स्टैंड्स फॉर, जितनी पोर्टफोलियो मैनेजमेंट वगैरह होती है उसके लिए सेबी जो है एक नया इंडस्ट्री बॉडी क्रिएट करना चाह रही है। जो कि उन सभी चीज़ों पर जो है ध्यान रख सके, उन सभी चीज़ों को मॉनिटर कर सके और उसके लिए एक बेस्ट प्रैक्टिस जो है वो जनरेट कर सके। तो पीएमएस का फुल फॉर्म होता है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस। रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड इज टेस्टिंग इट्स पेमेंट बैंक सर्विसेज अमंग इट्स एम्प्लॉय। द जियो पेमेंट बैंक वॉज फॉर्म इन अप्रैल 2018 एज अ 70-30 ज्वाइंट वेंचर बिटवीन रिलायंस इंडस्ट्रीज एंड स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड, कि SBI और RIL का जो है उसमें 70-30 का रेशियो है कि 70% RIL इन्वेस्ट करेगी इस ज्वाइंट वेंचर में और 30% जो इस पेमेंट बैंक में वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का होगा। अभी अभी ये बीटा मोड में, मतलब ये पेमेंट सर्विसेज जो है खुद के एम्प्लॉय के साथ ही टेस्ट वगैरह किए जा रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज लॉन्च आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना फ्रॉम विच स्टेट। अभी अभी रिसेंटली आयुष्मान भारत जो है, आपको मैंने क्वेश्चन बताया कि आयुष्मान भारत के सीईओ के बारे में बताया मैंने कि इंदु भूषण है, और अभी आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि जो प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत जो है, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना जो है वो कौन से स्टेट से लॉन्च किया गया, तो वो लॉन्च किया गया झारखंड से। प्रधानमंत्री ने झारखंड से इसकी लॉन्च की जो है स्टार्ट किया, मतलब यहाँ से जो है ये स्कीम स्टार्ट हुआ है। ब्रिक्स बैंक अप्रूव्स 525 मिलियन लोन डॉलर लोन फॉर इंफ्रा प्रोजेक्ट्स इन विच इंडियन स्टेट। ब्रिक्स बैंक ने 525 मिलियन डॉलर का लोन जो है वो कौन से स्टेट को प्रोवाइड किया है, तो ब्रिक्स बैंक ने प्रोवाइड किया है मध्य प्रदेश को। अब देखिए एक चीज जो है, जो ब्रिक्स बैंक है उसको हम लोग न्यू डेवलपमेंट बैंक भी बोलते हैं। ब्रिक्स में जो है पांच नेशंस हैं, ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। हर एक लेटर जो है एक एक राष्ट्र को वो शो करता है, मतलब उसके बारे में बताता है। और इसके जो सम्मेलन होते हैं वो इसी प्रकार से होते हैं, जैसे अगर मान लो पिछला साल अगर ब्राजील में हुआ अगला साल रसिया में होगा, उसके अगला साल इंडिया में होगा, फिर अगले साल चाइना में होगा और देन साउथ अफ्रीका में होगा। तो आपको ब्रिक्स का जैसे जैसे लेटेस्ट अगर हम लोग बात करें तो जो अभी क्या 2018 में जो हुआ था जुलाई के लगभग हुआ था वो साउथ अफ्रीका में हुआ था। उससे पहले सियामिन चाइना में हुआ था, उससे पहले 2016 में जो है इंडिया में हुआ था गोवा में समिट। तो इसी तरह नेक्स्ट कहाँ पर होगा वो ब्राजील में होगा। ये इस तरह से रोटेट करता है, लूप जो है वो चलती है, रोटेट करते रहता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। विच स्टेट हैज टॉप्ड द चार्ट्स अमंग स्टेट्स इन टर्म्स ऑफ एज ऑफ लिविंग इंडेक्स, कि अभी भी एज ऑफ लिविंग इंडेक्स का जो है रिपोर्ट जारी किया गया मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा, और उसमें किसने टॉप किया है, उसमें टॉप किया है आंध्र प्रदेश ने। मार्क कीजिए आंसर को, सी नंबर जो है आपका आंसर होगा, आंध्र प्रदेश ने एज ऑफ लिविंग इंडेक्स में टॉप किया भारत में। विच टेलीकॉम फर्म हैज इंक्ड अ पैक्ट विद सॉफ्ट बैंक एंड एंटिटी कम्युनिकेशन टू रोल आउट 5G एंड इंटरनेट ऑफ थिंग्स टेक्नोलॉजी इन इंडिया, कि 5G टेक्नोलॉजी पर जो है लॉन्च करने के लिए किसके साथ टाइप किया है, किस भारतीय टेलीकॉम कम्युनिटी ने सॉफ्टबैंक एंड एंटिटी के साथ टाइप किया है, तो वो BSNL ने टाइप किया है। कि स्टेट रन टेलीकॉम फर्म BSNL हैज इंक्ड अ पैक्ट विद जापान सॉफ्टबैंक एंड एंटिटी कम्युनिकेशन टू रोल आउट 5G एंड इंटरनेट ऑफ थिंग्स टेक्नोलॉजी इन इंडिया। BSNL will look at collaborating with SoftBank for its satellite constellation which will have around 900 satellites. SoftBank के साथ मिलकर जो है ये 5G इंडिया में लॉन्च किया जाएगा। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी रिसेंटली इनॉग्रेटेड एन एयरपोर्ट इन डैश, इट्स फर्स्ट एंड ओनली एयरपोर्ट। आप सभी को पता है कि सिक्किम में भी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट जो है लॉन्च किया गया था, और ये सिक्किम का पहला ही एयरपोर्ट है, पहला और एकमात्र एयरपोर्ट है। विच बैंक हैज पेड ₹38 करोड़ इन फाइन्स टू द GST डिपार्टमेंट फॉर एलिज्ड वायलेशंस इन डोमेस्टिक रिमिटेंसेज। अभी यस बैंक जो है काफ़ी कॉन्ट्रोवर्सी से जूझ रहा है, यस बैंक के जो हेड है राणा कपूर उनको भी जाना पड़ रहा है, साथ ही साथ उसके बाद के जो सीनेरियो बने तो उससे इवन उनके ऊपर गवर्नेंस के भी इशू आ गए थे, कॉर्पोरेट गवर्नेंस के भी इशू आ गए या ये रिमिटेंस रिलेटेड इशू थे, तो मल्टीपल तरह से जो है कॉन्ट्रोवर्सी में यस बैंक फंसा हुआ है। और आपको इसका आंसर क्या जाएगा, यस बैंक ही होगा। यस बैंक पर ही ने
38 करोड़ का फाइन जो है वो चार्ज किया गया है। इंडिया एंड डैश रिसेंटली साइंड MOU टू एनहांस कॉपरेशन इन MSME सेक्टर, कि MSME सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए, MSME सेक्टर में जो है एक दूसरे के साथ मिलकर काम करने के लिए भारत और ओमान ने अभी अभी समझौता साइन किया, एक MOU म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग जो है वो साइन किया है, सॉरी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो है वो साइन किया है। इंश्योरेंस रेगुलेटर IRDAI हैज रेज द मिनिमम इंश्योरेंस कवर फॉर ऑनर ड्राइवर टू रुपीज डैश, कि IRDA ने, एक तो आपको फुल फॉर्म याद रखना होता है कि इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, आप में से कई सारे लोग इसका फुल फॉर्म भूल जाते, सेबी का फुल फॉर्म भूल जाते हो, IRDA का फुल फॉर्म भूल जाते, इवन नवार्ड वगैरह का फुल फॉर्म भूल जाते आप लोग, उसके बाद जो मुद्रा बैंक है मुद्रा का फुल फॉर्म भूल जाते, यार ये सब सिडबी हो गया, ये सब बेसिक चीजें बेसिक टर्म्स हैं। आई थिंक आप में से कई सारे लोग इवन इंटरव्यू वगैरह में जो ये क्वेश्चन आपसे पूछ जाता है और आप वहां पर भूल जाते हो, यार ये टर्म्स मत भूलो एटलीस्ट, क्योंकि बैंक में जा रहे हो आप, आपसे कोई भी आज इवन 10 साल बाद भी आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है, आपका नेक्स्ट जनरेशन आएगा वो आपसे पूछ सकता है कि ये क्या होता है, IRDAI क्या होता है, ये क्या होता है। आप बैंक में काम करते हो तो एटलीस्ट आपको ये सभी हमेशा के लिए आपको हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा ये टर्म्स को। तो IRDA क्या है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये इंश्योरेंस सेक्टर से रिलेटेड जितनी भी चीज़ होती है उसको रेगुलेट करता है, जैसे RBI जो है वो मनी मार्केट को कंट्रोल करता है, सेबी कैपिटल मार्केट करता है, इंश्योरेंस इंडस्ट्री को कंट्रोल करने के लिए IRDAI है, जैसे PF फंड वगैरह को कंट्रोल करने के लिए PFRDA है। PFRDA क्या करता है, पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी है, तो जितनी PF वगैरह से रिलेटेड होती है उसको रेगुलेट करता है। तो ये सब रेगुलेटर्स हैं, आपको ध्यान रखना है, जैसे MSME सेक्टर की बात हो रही थी, MSME सेक्टर को रेगुलेट करने के लिए आपको सिडबी की स्थापना की गई है। ओके, तो इसकी स्थापना कब हुई, उसके चेयरमैन कौन है, ये सब सभी चीज पता होना चाहिए। जैसे सिडबी का फुल फॉर्म अगर रिकॉर्ड में, सिडबी का फुल फॉर्म है स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, आपको इसमें से टर्म भी पूछ सकते हैं, लेटर्स पूछ सकते हैं कि आई क्या रिप्रेजेंट करता है, डी क्या रिप्रेजेंट करता है, तो ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। ओके, आई होप आपको क्लियर है, अगर आपने ये सब चीजें नहीं पढ़ रखी है तो एक बार नोट डाउन कर लो और उसको 2-3 बार पढ़ लो, याद रहेगा हमेशा के लिए। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि IRDA हैज रेज द मिनिमम इंश्योरेंस कवर फॉर ऑनर ड्राइवर टू रुपीज, इतना कि ऑनर ड्राइवर इंश्योरेंस कवरेज जो है वो मिनिमम इंश्योरेंस कवरेज उसको इंक्रीज कर दिया है इंश्योरेंस रेगुलेटर ने, और अब ये बढ़ाकर कितना कर दिया गया है, ये बढ़ाकर 15 लाख रुपए का कर दिया गया है। और साथ ही साथ आपको यहाँ पर एक और क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि वो क्वेश्चन क्या होगा कि मंथली जो एनुअल प्रीमियम है वो कितना सेट किया गया है, इसके लिए मिनिमम एनुअल प्रीमियम कितना है, वो 750 रुपीज जो है पर एनम प्रीमियम सेट किया गया है। अ मूव टू प्रोवाइड सम स्कोर टू रोड एक्सीडेंट विक्टिम्स, कि जितने भी रोड एक्सीडेंट विक्टिम्स होते हैं, अब मान लो आपके पास कार इंश्योरेंस वगैरह ही नहीं है, आप लोगों को ठोकते हो और उनको इंश्योरेंस कवरेज नहीं मिल पाता है, आप जो है अलग तरह से बैटल लड़ते रहते हो, लेकिन अगर इंश्योरेंस है वहां पर तो जो विक्टिम्स हैं उनको वहां पर हेल्प मिलती है। आंसर बी है। नेक्स्ट है, रिसेंटली हु अमंग द फॉलोइंग वन हाईएस्ट एनवायरमेंटल ऑनर चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड, कि चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड जो है वो भारत के प्रधानमंत्री मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को दिया गया है इस बार, और यूनाइटेड नेशंस का ये हाईएस्ट एनवायरमेंटल ऑनर है जो कि प्रधानमंत्री को दिया गया है। उनकी लीडरशिप इंटरनेशनल सोलर एलायंस जो कि भारत और फ्रांस मिलकर जो है प्रमोट कर रहा है जिसको, और साथ ही साथ भारत को एक प्लास्टिक फ्री नेशन बनाने का जो है उनका प्लेज जो है कि 2022 तक भारत को प्लास्टिक फ्री नेशन के रूप में स्थापित करने का जो उनका प्लेज है, इसके लिए चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड के रूप में उनको पुरस्कृत किया गया है। डॉक्टर हर्षवर्धन इनोग्रेटेड एयर पोल्यूशन कंट्रोल डिवाइस WAYU इन दिल्ली, इन वायु ए स्टैंड फॉर, अब देखिए एक अभी डिवाइस जो है काफी पॉपुलर हुआ था, क्योंकि आप सभी को पता है कि दिल्ली का पॉल्यूशन कितना नामी है, भले ही दिल्ली का जो है दिल्ली की ठंड और दिल्ली के पॉल्यूशन दोनों काफी पॉपुलर है, आप सभी को पता होगा कि वहां पर जो पॉल्यूशन का जो लेवल होता है वो एक्सट्रीम लेवल पहुंच गया था। तो एक कंपनी ने जो है अभी रिसेंटली एक वायु करके डिवाइस बनाया, एक मशीन बनाया है जो कि अपने सराउंडिंग्स के एयर्स को, जो भी पोल्यूटेड एयर्स हैं उसको फ्रेश एयर में कन्वर्ट करता है, एक कन्वर्टर है जो कि वो फ्रेश एयर में जो भी पोल्यूटेड एयर्स हैं उसको वो सोक करता है और साथ ही साथ फ्रेश एयर जो है वो प्रोवाइड करता है सबको। और इस डिवाइस का नाम जो रखा गया है वो वायु रखा गया है, ये अपने 500 मीटर के स्पेस में जितने भी पोल्यूटेड एयर्स हैं उन सभी को सोक करेगा और साथ ही साथ फ्रेश एयर प्रोवाइड करेगा। तो
खास करके जितने भी ट्रैफिक कंट्रोल ट्रैफिक पॉइंट्स हैं, जहाँ भी ट्रैफिक सिग्नल्स वगैरह हैं, बड़े बड़े ट्रैफिक सिग्नल्स हैं, उसको टारगेट किया जा रहा है। वहाँ पर जो है खास करके ये मशीन अभी स्टेब्लिश किया जा रहा है, वायु करके मशीन जो है वो स्टेब्लिश किया जा रहा है। तो वायु का फुल फॉर्म क्या है? विंड ऑगमेंटेशन प्यूरिफाइंग यूनिट। ओके, विंड ऑगमेंटेशन प्यूरिफाइंग यूनिट, यहाँ पर ए जो है वो ऑगमेंटेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। और आपसे अगर एरिया पूछ लिया जाए कितना एरिया को कवर करेगा, तो वो 500 स्क्वायर मीटर को कवर करेगा। अराउंड 54 to 59 मशीन जो है, ये डिवाइस जो है वो अलग अलग ट्रैफिक सिग्नल्स पर लगाए गए जाने के टारगेट रखे गए हैं। एज अनाउंस्ड बाय द फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली रिसेंटली, द ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी अंडर द प्रधानमंत्री जन धन योजना PMJDY हैज बीन डबल टू। पहले कितना था PMJDY में? पहले 5,000 की ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी थी। जब 2014 ईस्वी में ये लॉन्च किया गया था, हर घर हर किसी के पास बैंक अकाउंट हो उसके लिए, तो वहाँ उस टाइम पर 5,000 रुपये का ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी दिया गया था। अब वो डबल कर दिया गया, मतलब अब ये कितना हो गया? अब ये 10,000 हो गया। अब बेसिक बात है, 5,000 जो है वो डबल करने के बाद 10,000 हो जाएगा। आई होप आप सभी लोग ओवरड्राफ्ट कहते किसको हैं ये चीज़ आपको पता होगा। इवन ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी जो है वो क्रेडिट कार्ड से भी रिलेटेड है, और ये बेसिक टर्म है वो समझ के रखना है। रिसेंटली IPC सेक्शन 497 वाज इन न्यूज, दिस सेक्शन इज रिलेटेड टू डेथ। ये IPC सेक्शन 497 जो है वो एडल्ट्री से रिलेटेड है। अभी अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने कई सारे इंपॉर्टेंट वर्डिक्ट दिए हैं, जिसमें से एक ये भी था, एडल्ट्री को जो है उन्होंने, सुप्रीम कोर्ट ने ये IPC सेक्शन 497 को स्क्रैप कर दिया है। इसके अंतर्गत क्या था कि सेक्शन 497 गिव्स अ हस्बैंड द इल्यूसिव राइट टू प्रोसिक्यूट हिज वाइफ्स लवर इफ फाउंड गिल्टी द एडल्ट्री फेसेस 5 years बिहाइंड बार। ये चीज जो एडल्ट्री एक जो था ना, वो मतलब पहले कानून था जिसको कि अब सुप्रीम कोर्ट ने अब मतलब वो खत्म कर दिया, उस कानून का खत्म कर दिया है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये डी हो जाएगा। तो दो तीन अभी सेक्शन है, जैसे कि आपको आधार कार्ड से रिलेटेड एक सेक्शन था, आर्टिकल था, जिसमें कि राइट टू प्राइवेसी का शायद उसमें कुछ मतलब चल रहा था। साथ ही साथ जो LGBT कम्युनिटी के लिए था, शायद 377 था, वो सब होगा। तो ये सब आपको सेक्शन याद रखना, क्योंकि इससे रिलेवेंस आपको क्वेश्चन बन सकते हैं, और रिसेंटली चूंकि न्यूज में था, ये सब क्वेश्चन आपको वहां पर पूछ सकते हैं। अभी भी सुनील मेहता कमेटी की बात हो रही थी, हम लोग पढ़ रहे थे, जहाँ पर AIF, AMC या आपको मतलब एसेट रिकंस्ट ARC वगैरह के बारे में बता रहा था। तो सुनील मेहता जो है, वो मैंने आपको बताया था कि वो PNB के हेड भी है। तो रिसेंटली सुनील मेहता वाज इलेक्टेड एज द चेयरमैन ऑफ इंडियन बैंक एसोसिएशन, जो IBA है उसके चेयरमैन के रूप में इनकी नियुक्ति हुई फॉर ईयर 2018-19। रिसेंटली ही द प्रेजेंट मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO ऑफ, कि वो MD & CEO किसके हैं? पंजाब नेशनल बैंक के वो MD & CEO एग्जिस्टिंग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ऑर्डर टू फाइट द ग्रोइंग प्रॉब्लम ऑफ काउंटरफिट ड्रग्स इन इंडिया, नीति आयोग एंड अ टेक्नोलॉजी फर्म साइंड अ स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट। जैसे MOU होता है, यहां पर SOI साइन कर रहा है उन्होंने। व्हाट इज द नेम ऑफ द फर्म? द नेम ऑफ द फर्म क्या है? वो फर्म का नाम है, इन्होंने ओरेकल के साथ जो है वो टाई अप किया है। ओरेकल जो है वो इनको एक ब्लॉकचेन कांसेप्ट पर जो है बेस्ड रियल ड्रग्स के लिए जो है एक, इन ऑर्डर टू फाइट द ग्रोइंग प्रॉब्लम्स ऑफ काउंटरफिट ड्रग्स इन इंडिया, नीति आयोग ने ओरेकल साइंड अ स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट टू पायलट अ ड्रग रियल ड्रग सप्लाई चेन यूजिंग ब्लॉकचेन डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर एंड इंटरनेट ऑफ थिंग्स सॉफ्टवेयर। कि जो भी ब्लॉकचेन का कंसेप्ट एंड इंटरनेट ऑफ थिंग्स जो सॉफ्टवेयर, उसके माध्यम से एक स्ट्रक्चर्ड वे में जो है ड्रग सप्लाई चेन क्रिएट किया जाएगा। नीति आयोग ने इस पर काम करना स्टार्ट किया ओरेकल के साथ मिलकर, जिससे कि जितने भी ये काउंटरफिट या नकली दवाई है उन सभी पर कंट्रोल कर सके भारत में, उस पर जो है कंट्रोल, उस पर बैन लगाया जा सके, उस पर पूरा उस तरह से एक तरह से कंट्रोल बनाया जा सके। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर हो जाएगा। दीनबंधु महापात्र हैज बीन इलेक्टेड एज डिप्टी चेयरमैन ऑफ इंडियन बैंक ऑफ एसोसिएशन IBA, ही द प्रेजेंट मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO ऑफ। वो प्रेजेंट CEO एंड MD कहाँ पर है? वो बैंक ऑफ इंडिया के MD & CEO हैं। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स अंडर द एजिस ऑफ स्वच्छ भारत मिशन अर्बन SBMU हैज पार्टनर्ड विथ विच टेक्नोलॉजी फर्म टू लॉन्च एन ऐप टू लोकेट एंड रिव्यू पब्लिक टॉयलेट्स। ये स्वच्छ भारत मिशन के अर्बन के अंतर्गत किसके साथ टाइप किया है? मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने वो गूगल के साथ टाइप किया है। साथ ही साथ एक और चीज यहाँ पर प्रोवाइड की जाएगी, एक और क्वेश्चन बनता है कि टू लॉन्च द लू रिव्यू कंपेन, जो लू रिव्यू कंपेन्स है, एंड टू इनकरेज ऑल लोकल गाइड्स इन इंडिया टू रेट एंड रिव्यू पब्लिक टॉयलेट्स ऑन गूगल मैप्स,
के लिए भी गूगल के साथ टाइप किया है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने। ओके, तो दोनों चीज के लिए आपको गूगल ही आंसर है, ये चीज ध्यान रखिएगा। और एक बेस्ट ऑप्टिक कह सकते हैं, जहां पर भी इस तरह की चीजों में अगर मैप की बात आए तो आप गूगल से कनेक्ट कर देना। RBI has directed all the scheduled commercial banks having more than dash banking outlets to open an internal ombudsman. कि जिस तरह से ऑब्डसमैन, बैंकिंग ऑब्डसमैन अवेलेबल है, उसी तरह RBI ने जितने भी बैंक्स हैं, कमर्शियल बैंक, शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स हैं, उनके पास अगर 10 से ज़्यादा आउटलेट इंडिया में अवेलेबल है, ओके, तो उनको जो है इंटरनल ऑब्डसमैन ओपन करने के लिए इंस्ट्रक्शन पास किया, ऑर्डर जो है वो पास किया है। तो आंसर क्या है? डी है। मेंबर कंट्रीज ऑफ रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, ये लास्ट वीडियो में मैंने डिस्कस किया था और मैंने बोला था कि टेलीग्राम चैनल पर इस पर कंप्लीट आर्टिकल जो है मैंने परसों ही पोस्ट किया है। हेल्ड टू डे सिंगापुर मिनिस्ट्रियल रिसेंटली मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस रिसेंटली द प्रेजेंट नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ आरसेप, तो आसियान के 10+6 मैंने वहां पर गिनाए थे आपको, पूरे नंबर्स मेंबर्स के भी नाम मैंने आपको बताए थे। तो 10 मेंबर जो है वो आसियान के हैं और 6 मेंबर जो है वो अलग अलग कंट्री के, जैसे भारत, चाइना, ऑस्ट्रेलिया वगैरह है, उनको ऐड किया के टोटल 16 मेंबर जो है आरसेप में बनता है। और अगर आरसेप साइन हो गया, ये एक तरह से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, अगर ये साइन हो गया तो सबसे बड़ा ब्लॉक जो है वो FTA ब्लॉक बनकर ये उभरेगा। द पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी PFRDA हैज कम्प्लीटेड 5 ईयर्स, द प्रेजेंट चेयरमैन ऑफ PFRDA इज, जो प्रेजेंट चेयरमैन है PFRDA के वो हेमंत कॉन्ट्रैक्टर है। पराक्रम पर्व विल बी सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन द रिमेम्बरेंस ऑफ सर्जिकल स्ट्राइक, कि पराक्रम पर्व जो है मनाया जाएगा, जो सर्जिकल स्ट्राइक्स किया था भारत ने उस पर जो उसके मतलब मेमोरी में जो है उसके याद, उनके याद में ये पराक्रम पर्व जो है हर साल भारत सेलिब्रेट करेगी। द नेक्स्ट प्रवासी भारतीय दिवस विल बी हेल्ड इन विच सिटी इन 2019 विद द थीम रोल ऑफ इंडियन डिस्पोसरा इन बिल्डिंग अ न्यू इंडिया, तो दोनों चीज याद रखिएगा, प्रवासी भारतीय दिवस जो है वो वाराणसी में होने वाला है और साथ ही साथ प्रवासी भारतीय दिवस का थीम क्या है, रोल ऑफ इंडियन डिस्पोरा इन बिल्डिंग अ न्यू इंडिया। द फर्स्ट रेलवे यूनिवर्सिटी ऑफ द कंट्री द नेशनल रेल एंड ट्रांसपोर्ट यूनिवर्सिटी NRTU वॉज इनोग्रेटेड इन विच सिटी रिसेंटली, दोस्तों मैंने आपको लास्ट वीडियो में एक और बताया था, अटल करके बताया था, ओके, कि जो AICTC का एक यूनिवर्सिटी बनने वाला है वो जयपुर में इस्टेब्लिश होने वाला है। एक और मैंने हरियाणा में कोई यूनिवर्सिटी बताया था उसके रिलेटेड भी आपको याद होना चाहिए, और साथ ही साथ ये भी याद रखना कि पहला जो है रेलवे यूनिवर्सिटी NRTU वो वडोदरा गुजरात में जो है बनकर तैयार हो गया, इनोग्रेट किया गया है रिसेंटली। और इस तरह से आपका क्विज खत्म हुआ, हम लोगों ने अराउंड 40+ क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं और ये सभी क्वेश्चंस आपको अक्टूबर एंड सितंबर से मिक्स करके लिए गए हैं। आई होप आप सभी को पसंद आया होगा, अगर पसंद आया है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए, और आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। दोनों वेबसाइट को आप सब सेव करके रख लीजिए और इसका PDF आज शाम तक अवेलेबल होगा। टेलीग्राम चैनल में मैं लिंक शेयर कर दूंगा और कल सुबह तक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक अपडेट कर दूंगा। आई होप आपको ये चीज़ें पसंद आ रही हो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, देखते रहिए बैंक फॉर सक्सेस।